जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रिलेटेड और एक तो मैं ढूंढा उसके ऊपर, चार जर्नल अभी ढूंढा हूँ, तो उसके ऊपर आज का वीडियो है। 0.7 से लेके 0.8 तक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हो तो ऑलरेडी क्वार्टाइल 4 का पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो आ चुका है, जहां से 12 रिसर्च पेपर सॉरी 12 जर्नल पूरा कंप्लीटली फ्री है। वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो, आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पे आप रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो जर्नल का नाम है, बहुत खतरनाक नाम है, इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, उनका लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप खुद चेकआउट कर सकते हो। साइट स्कोर यहाँ पे देख सकते हो 0.7 है, और 2013 से लेकर 24 तक उसका स्कोपस का कवरेज है। ईएसएन आईएसएन नंबर दिया है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। और यहाँ पे व्यू ऑल में जाके देख सकते हो कि कौन कौन सा रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट होता है, जैसे जनरल अर्थ, प्लानिटरी साइंस, जनरल एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल साइंस, जनरल केमिस्ट्री, जनरल बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। अभी साइट्स को ट्रैकर का 2024 वाला आ गया है, जून महीना में अपडेट होता है हर साल, तो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे 0.6 भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसको आप चेकआउट करने के लिए क्या कर सकते हो कि जो आईएसएन नंबर है उसको जाके आप वेब ऑफ साइंस में सर्च कर सकते हो। वेब ऑफ साइंस में कैसे सर्च करना है उसका प्रोसेस मैं वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस वीडियो में नहीं, ये वाला वीडियो अगर चेक करोगे तो ये वाला पेज में कैसे आओगे उसके बारे में अच्छे से डिटेल में बताया, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन कितना लिख दिया है कि 17 वीक के अंदर आपका रिसर्च वर्क यहाँ पे अगर एक्सेप्ट होता है तो पब्लिकेशन हो जाएगा। प्राइमरी लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश में सबमिट कर सकते हो, रशियन लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हो अगर आपका आता है तो, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे स्कोपस का तो है, यहाँ पे इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन ईएसए वाला इंडेक्सिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और एक तो बेनिफिट है, अगर ये पेज में आप आते हो, वेब ऑफ साइंस का जर्नल का वेबसाइट का लिंक देता है, अगर यहाँ पे विजिट करते हो तो उसका वेबसाइट को वो पहुंचा देता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ऑलरेडी मैं उस वेबसाइट को खोल के रखा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि सबमिशन एंड प्रोसेसिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ पेपर्स आर फ्री ऑफ चार्ज। यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छा खासा आपको दिखाई दे। यहाँ पे देख सकते हो सबमिशन प्रोसेसिंग पब्लिकेशन पेपर आर फ्री ऑफ चार्ज, तो कम्प्लीटली फ्री है। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, इस तरह का वेबसाइट आएगा, ठीक है। वेबसाइट आएगा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर में क्लिक करोगे तभी जाके वो वाला पेज में आप जा सकते हो। सबमिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट आएगा और यहाँ पे आपको आ जाएगा कि भाई पैसे चार्जेस नहीं था, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो लगभग 17 वीक के अंदर यहाँ पे रिसर्च वर्क पब्लिश हो जाता है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। 17 वीक मतलब कितना टाइम लगेगा, 3.5 महीना 4 महीने के अंदर आपका रिसर्च वर्क कितना इतना टाइम में आपको पब्लिश हो जाएगा। तो पर्टिकुलरली अगर इस जर्नल को अगर देख रहे हो, सब्जेक्ट एरिया एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, केमिस्ट्री के रिलेटेड अगर है तो यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो और 4 महीने में अपना रिसर्च वर्क को पब्लिश हो जाएगा अगर आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। स्कोपस का इंडेक्सिंग मिल जाएगा, वेब ऑफ साइंस का इंडेक्सिंग मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बॉर्न प्लांडिया 2019 से लेकर 2024 तक है, स्कोपस का कवरेज 2024 है, प्रेजेंट वाला कंडीशन यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि अभी अपडेट हुआ है ना, इसलिए 2024 दिख रहा है। तो 2024 में अगर कोई इसको सबमिट कर रहा है तो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। 0.8 साइट स्कोर है। अगर सब्जेक्ट एरिया यहाँ पे देखोगे तो बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट साइंस, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, बिहेवियर, सिस्टमेटिक, जेनेटिक्स के रिलेटेड यहाँ पे क्या कर सकते हो कि अपना रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। साइट स्कोर भी यहाँ पे देख सकते हो कि 2024 के हिसाब से 0.6 साइट स्कोर है। और यहाँ पे क्या है कि ये जो जर्नल है बॉर्न प्लांडिया, ये वाला सिर्फ स्कोपस में है और स्कोपस का इंडेक्सिंग यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे इसको जाके ओपन इन द न्यू टैब में मार सकते हो, इस तरह का आपको आ जाएगा। यहाँ पे पहला वाला लिंक यहाँ पे आ जाएगा, इसको आप खोल सकते हो उसको वेबसाइट को। अगर वेबसाइट को खोलते हो तो चेकआउट करते हैं क्या है, ये ऑलरेडी मैं खोल के रखा हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है कि पब्लिकेशन कॉस्ट के बारे में, ठीक है, ये वाला छोटा छोटा अक्षर में लिखा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो कि बॉर्न प्लांडिया डज नॉट चार्ज ऑथर फीस फॉर अपलोडिंग प्रोसेसिंग, ओनली कलर इंस्ट्रूशन। अगर कलर इंस्ट्रू मतलब फिगर्स रखोगे, डायग्राम रखोगे तभी जाके वो चार्जेस करता है, अगर ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा तभी भी चार्जेस नहीं करेगा। अगर आप प्रिंटेड मंगाते हो उससे तभी जाके पैसा देना पड़ेगा, लेकिन अगर ऑनलाइन में आकर चाहते हो तो उसके लिए वो चार्जेस नहीं लेता, ये क्लियरली मेंशन किया। ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, जब आप सबमिशन में जाओगे,
ठीक है, अबाउट सेक्शन सबमिशन में जाओगे तो तभी जाके आपको मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर जर्नल का अगर टाइम देखोगे तो आप एक रिसर्च पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। ऑलरेडी यहाँ पे मैं एक डाउनलोड करके रखा हूँ और यहाँ पे लिखा था, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि जो रिसीव हुआ था, यहाँ पे देख सकते हो जो रिसीव हुआ था, यहाँ पे लिखा है कि 20 मई 2023 को और 6 जुलाई 2023 को, 3 महीने के अंदर यहाँ पे रिसर्च वर्क असेट हो जाता है। एक रिसर्च पेपर का कंडीशन मैं यहाँ पे दिखाया, कैसे पता चलेगा, जो लेटेस्ट वाला वॉल्यूम है वहां पे आप चले जाइए, जैसे कि वॉल्यूम नंबर 33 नंबर 1 का 2024 का निकला है, इसका एक रिसर्च पेपर यहाँ पे मैं रखा हूँ, बहुत बड़ा जूम करके रखा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो कि कब रिसीव हुआ था, कब असेट हुआ था, इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा है। इसी हिसाब से आप खुद का रिसर्च पेपर कितना टाइम लगेगा एक एवरेज वैल्यू लेके उससे जजमेंट ले सकते हो। तो पर्टिकुलरली अगर बॉन प्लान ईयर देखेंगे 3 महीना 4 महीना इस तरह का टाइम एवरेज लगेगा, 0.8 साइड स्कोर है। नेक्स्ट देखते हैं जर्नल नंबर 3, एम एच सलोद 2019 से लेकर 24 तक इसका आपका स्कोपस का कवरेज है, 0.8 साइड स्कोर है। अगर देखोगे फिजिकल थेरेपी, स्पोर्ट्स थेरेपी, रिहैबिलिटेशन इसका सब्जेक्ट एरिया है, ऑर्थोपेडिक्स, स्पोर्ट्स मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ, एनवायरमेंटल, ऑक्यूपेशनल हेल्थ और यहाँ पे बायोफिजिक्स का रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च वर्क आप सबमिट कर सकते हो। 0.8 साइड स्कोर है। अभी अगर देखोगे अच्छा खासा ये डिक्रीज हो चुका है 0.4, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप सबमिट कर सकते हो एम एस सालोद में। इसको आप जाके गूगल सर्च कर सकते हो और क्या कर सकते हो कि वेब ऑफ साइंस में भी सर्च कर सकते हो। अगर वेब ऑफ साइंस में सर्च करते हो तो एम एच सालोद का यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, इसका वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हो विजिट साइट दिया है, अगर करते हो तो इसको मिल जाएगा। प्राइमरी लैंग्वेज स्पैनिश दिया है और सेकेंडरी लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश दिया है, तो इंग्लिश में भी यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन टू अगर देखोगे तो 16 वीक का लगता है, तो 3 से 3.5 महीना टाइम लगेगा। ईए से आपको इंडेक्सिंग मिल जाएगा, इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन इंडेक्स, उसका वेबसाइट को इस तरह का भी गूगल में जाके सर्च कर सकते हो, ये वाला लिंक आ जाता है। वेबसाइट को खोलोगे तो इस तरह का अबाउट द जर्नल में जब मारोगे यहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बताया कि कितना टाइम लगाएगा, और यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली लिखा है कि भाई एम एस अलर्ट जर्नल डज नॉट चार्ज फ्री फॉर प्रोसेसिंग ऑफ आर्टिकल, तो फ्री ऑफ चार्ज ऑफ जर्नल ये कम्प्लीटली लिखा है, और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। स्पैनिश और इंग्लिश में लैंग्वेज में यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश होता है। अगर एम स्कोप में अगर देखोगे तो कौन कौन सा रिसर्च एरिया में आप थीमेटिक कवरेज यहाँ पे लिखा है, कौन कौन सा रिसर्च एरिया में आप जाके चेकआउट कर सकते हो। कोई भी जर्नल जब भी मतलब देख रहे हो खुद का हिसाब से उसका एम स्कोप को जरूर देखिए और उसी के हिसाब से आप रिसर्च वर्क सबमिट कीजिए। मेरा काम है टाइम कितना लगेगा और फ्री है कि नहीं ये वाला इन्फॉर्मेशन देना, और उससे ज्यादा अंदर जाके कुछ मुझे फायदा नहीं मिलेगा। आपको फायदा अगर चाहिए तो आप क्या कर सकते हो कि आईएसएन नंबर, ईएसएन नंबर को ले सकते हो या इसको गूगल जाके सर्च कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जर्नल नंबर 4, राटरस्टो आई पोरबार टार्स्टो, खतरनाक लिखा हुआ है, छोड़ो उसको। 2019 से लेके 2024 तक अगर सब्जेक्ट एरिया यहाँ पे देखोगे हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड, सॉयल साइंस के रिलेटेड, एग्रोनॉमी, क्रॉप साइंस के रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड और यहाँ पे प्लांट साइंस, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड रिसर्च वर्क सबमिट होता है। 0.8 साइड स्कोर है और यहाँ पे देखोगे 0.7 साइड स्कोर, ट्रैकर 2024 में भी दिखा रहा है। और ये वाला जर्नल क्या है कि आप जाके इसको क्या कर सकते हो कि गूगल में जाके इस तरह का सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद यहाँ पे इस तरह का लिंक आ जाता है, इसको आप क्लिक कर सकते हो, ये वाला लिंक को, पहला वाला लिंक को। हर टाइम पहला वाला लिंक काम नहीं करता है लेकिन आपको ये ढूंढना पड़ेगा। अगर यहाँ पे देख सकते हो पढ़ोगे इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑथर में अगर जाओगे उस वेबसाइट का, यहाँ पे मैं खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है, इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर में अगर जाओगे क्लियरली बोला है कि देयर आर नो सबमिशन चार्जेस और एपीसी, तो पैसे चार्जेस नहीं होता है। यहाँ पे जा सकते हो इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर, यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर, ये वाला सेक्शन देख सकते हो, ये वाला सेक्शन इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर लिखा हुआ है। इसका टाइम कितना लगता है उसके बारे में मुझे पता नहीं चला, ठीक है, तो आज के लिए ये इतना ही है, चार जर्नल के बारे में डिस्कस करना था। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है, जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।